अंकिता लोखंडे जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ 7 साल तक उनकी ज़िंदगी में थी, उनकी दोस्त थी, उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं सुशांत से टच में नहीं थी, लेकिन उनका परिवार हमेशा मेरे टच में था। मैं उनकी दीदियों से, पापा से बात करती रहती थी। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई, 1 साल पहले, जी हाँ 1 साल पहले, उन्होंने कहा लगभग 1 साल पहले सुशांत के पिता का फ़ोन मुझे आया था। क्या कहा था उनके पिता ने, मैं हिना कुमावत फिल्म इंडोपा आपको बताऊँगी। सुशांत बार बार नंबर बदलते रहते थे, इस थ्योरी पर अंकिता का क्या कहना है? उन्होंने कहा, मैं जिस सुशांत को जानती हूँ 7 साल तक, तब उन्होंने एक भी नंबर नहीं बदले थे, लेकिन मुझे उनके परिवार से पता चला कि वो नंबर बदलते रहते थे। मुझे 1 साल पहले लगभग पापा का फ़ोन आया था और पापा ने मुझे कहा कि अंकिता तुम्हारी कोई सुशांत से बात हुई है? तो मैंने कहा, नहीं पापा मेरी तो बात नहीं होती, क्यों आप क्यों नहीं उनको डायरेक्ट फ़ोन करते हो? तो पापा ने मुझे जवाब दिया कि उनके पास सुशांत का नंबर ही नहीं है। आप सोचिए कि ऐसा पॉसिबल है कि माँ बाप के पास बेटे का, बेटी का नंबर ना हो? तो अंकिता कहती, मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि ऐसे कैसे पापा के पास सुशांत का नंबर नहीं है। और सुशांत अपने परिवार के बहुत करीब थे, कभी भी इतना दिन दूर नहीं रहते थे कि परिवार को पता ना चले कि कहाँ है क्या है। कहती, तब मुझे समझ में आया था। फिर मेरी रानी दीदी से बात हुई, वो भी रो रही थी कि सुशांत बदल गया है। श्वेता दीदी ने बताया कि कैसे जो है एक दिन अचानक अननोन नंबर से फ़ोन आया और मैंने जब कॉल नहीं उठाया, मैसेज किया तो सामने से जवाब आया, दीदी मैं सुशांत। तो ये सारी चीज़ें अंकिता ने बताई। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि 1 साल से जो है वो मुझे बहुत कट ऑफ लग रहा था, नहीं तो वो हर पार्टीज़ में, इवेंट्स में होता था, उसकी स्माइल देखने को मिलती थी। लेकिन मुझे 1 साल से समझ में आ रहा था कि क्यों वो चीज़ों से कटता जा रहा है, कट ऑफ हो रहा है, क्यों अकेला होता जा रहा है। वो कहती, ये चीज़ मैंने देखी थी, ये एम्प्टीनेस मुझे फील हो रहा था, कहती लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं था। जब राब्ता की शूटिंग पर जब ब्रेकअप हुआ, उसके बाद सुशांत जो है राब्ता के लिए चले गए थे। उन्होंने कहा कि वो राब्ता की शूटिंग के लिए गए और उसके बाद जो है जब वो वापस आए, उन्होंने तब तक अपना नंबर बदल लिया था और मेरे पास नया नंबर नहीं था। उन्होंने कभी कॉन्टैक्ट नहीं किया, मैंने भी कभी चेज नहीं किया, लेकिन मैं हमेशा परिवार के साथ कॉन्टैक्ट में थी, उनसे बातचीत होती रहती थी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही कि उनका, लेकिन सबसे बड़ी बात कि सुशांत के पिता जो है अंकिता को फ़ोन करके ये पूछ रहे थे कि तुम्हारी सुशांत से बात हुई। मतलब सोचिए, उनके पिता तक उनसे बात नहीं कर पाते थे। उनके पिता ने भी बोला, जो FIR दी है, कि मेरी 1 साल में सिर्फ और सिर्फ सुशांत से 5 बार बात हुई थी। तो एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि क्या वाकई में इस 1 साल में ऐसा क्या हुआ था कि सुशांत परिवार से इतना दूर जा रहा था, इतना अलग होता जा रहा था। और इसी बात पर अंकिता भी काफ़ी सरप्राइज है।